Now we have continued our chapter agriculture, chapter 4, class 10, geography, and this is the part number 5. And now we continue contributions of agriculture to the national economy, employment and output. Okay, beta. Now agriculture ka contribution kya hai, beta? Agriculture has been the backbone of the Indian economy through its share of the gross domestic product, GDP mein, beta. Okay, has the registered in declining trend from 1950 onward. In the 2010-11, about 52% of the total work force was employed by the farm sectors. And you know, sectors of Indian economy mein humne discuss kiya tha beta ki primary sector, secondary section aur tertiary sectors mein kitna percentage you know share GDP mein jata hai beta aur kitna percent workers, theek hai, employment ye tino sectors unko provide kara rahe beta. सिक्की सो यहाँ पे देखो टर्शियरी सेक्टर्स का अकॉर्डिंग टू सो इंडिविजुअल सेक्टर्स का बेटा एग्रीकल्चर्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है. कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द कंसर्न एफर्ट टू द मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. अब देखो बेटा इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो ट्रेडिशनल वे से बहुत कर रहे थे हम, बट अब हम उसमें मॉडर्न टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं बेटा. मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और फार्मर्स को भी एजुकेटेड कर रहे हैं बेटा. ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट्स के अलग अलग स्कीम्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, ये फुल फॉर्म है बेटा, इसको याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ठीक है, तो इस भी रिसर्च हो रहा है बेटा कौन सी ऐसी मेथड्स को हम हमारे एग्रीकल्चर्स में यूज़ करें बेटा. एग्रीकल्चर्स यूनिवर्सिटीज़ बने बेटा, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल्स ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर्स डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ द मेट्रोलॉजीज एंड द वेदर्स फॉरकास्ट एक्सेट्रा. सो वेयर गिवन द प्रायोरिटी टू द इम्प्रूविंग द इंडियन एग्रीकल्चर्स अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑल्सो वी हैव कंसिडर द इनिशियल्स फॉर द सेम. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जहाँ पे बेटा गवर्नमेंट अपना वर्क कर रहा है बेटा. फ्रॉम द टेबल 4.1 हमने बेटा अभी टेबल दिखाया आपको 4.1, लुक दिस. ठीक है, यहाँ से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं बेटा. टेबल 4.1 फ्रॉम द टेबल 4.1 इज द क्लियरली दैट द थ्रू दैट इज द 4.1 बेटा इंडिया ग्रोथ रेट्स GDP एंड द मेजर सेक्टर्स. अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा तो इन्होंने कंपेयर किया है 2013-14, 14-15, 15-16. तो देखो एग्रीकल्चर में 4.2 माइनस 0.2 1.1. ठीक है, GDP में आप टोटल ओवरऑल देखेंगे ना बेटा तो कंट्रीब्यूशन सो इंडस्ट्री सेक्टर का बढ़ रहा है बेटा, सर्विस सेक्टर का बढ़ रहा है. सो देखो एग्रीकल्चर बेटा प्राइमरी सेक्टर का है, इंडस्ट्रियल्स ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है, और सर्विस देयर इज द थर्ड सेक्टर टर्शियरी सेक्टर का है. तो उस चैप्टर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो सर्विस सेक्टर है उसका GDP में इन द प्रेजेंट डे कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया बेटा. ठीक है, सो इट इज़ द जनरेटिंग द सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री. द ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर हैज़ बीन द डिक्लेटिंग विच इज़ द ऑलरमेटिंग सिचुएशन. टूडेज द इंडियन फार्मर्स आर द फेसिंग द बिग चैलेंजेस फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड द रिड्यूशन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सब्सिडीज और द फर्टिलाइजर्स डिक्रीजिंग लीडिंग टू द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. मोर ओवर द रिडक्शन ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव द प्रूव डिटरमिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन द कंट्री. फार्मर्स आर द विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग द डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स. सो यहाँ पर भी आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में स्लोली स्लोली गवर्नमेंट ने अपना यू नो इनपुट दिया है और उसको भी बड़े लेवल पर करने का ट्राई करें. नाउ इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. यू नो ग्लोबलाइजेशन पूरा वर्ल्ड बेटा यू नो अब एक यू नो एक फैमिली की तरह हो गया है. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द न्यू पैनोमोनिया, एक नया पैनोमोनिया नहीं है हमारे लिए बेटा. इट्स वॉज देयर एट द टाइम ऑफ द कॉन्सलेशंस. इट इज़ द 19th century वेन द यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू द इंडिया एट द टाइम टू इंडिया स्पाइसेस. तो यहाँ के जो मसाले थे स्पाइसेस were the export to the different countries to the world, and the farmers of the South India were the encouraging to grow these the crops. The till today is the one of the important items for the export from the India. During the British period, the cotton belts of the India's attract to the British to ultimately cottons exported in the Britain as well in the raw materials of their textile industry. तो बेटा पहले वो raw materials के लिए Britain वाली सारी item India से ली जाती थी, cotton textile industries in the Manchester and the Liverpool, Manchester और Liverpool
पूर्व बेटा ब्रिटेन में है दोनों, वहाँ पे फ्लॉरिश और ड्यू टू द वाइब्रेटी ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ द कॉटन फ्रॉम द इंडिया। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्ट 1917 इन बिहार, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा। सो अंडर द ग्लोबलाइजेशन द पर्टिकुलरली आफ्टर द 1990s द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोर्ट द न्यू चैलेंजेस, अलग अलग चैलेंजेस मिले बेटा डिस्पाइट बीइंग इन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस कॉटन रबर टी कॉफी जूट स्पाइसेस, आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू द कम्पीट विद द डेवलपमेंट। ठीक है, हम यह सारी चीज़ों को ग्रोन कर रहे हैं बेटा, बट हम अभी भी वर्ल्ड में बेटा उनको कम्पीट नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड फूड डे बेटा इसे याद रखेंगे बेटा 16 अक्टूबर 2016। ठीक है, ये एक आपका न्यूज़पेपर है उसका मैगजीन का है बेटा पिक्चर्स, थीम है यहाँ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे बेटा। ठीक है, बड़े बड़े यू नो सेक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा टिश्यूज। सो टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स टू मेक द एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड द प्रॉफिटेबल प्रॉपर ट्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्पॉर्टेंट ऑफ द कंडीशन। ठीक है, तो अब जो कंडीशन है बेटा उसको चेंज करने के लिए द माइग्रेट एंड द स्मॉल फार्मर द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोमिस्ड मच बट टूडे इज द अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन 1968-67 वहाँ से बेटा एंड कॉन्ट्रोवर्सीज इट्स बींग अलेज दैट हैज द कॉस्ट लैंड ग्रेशन ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, अब हम बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग द एक्वाफायर्स एंड द वॉनिशिंग बायोडाइवर्सिटीज द की वर्स टू डे इज द गेंस रिवोल्यूशंस विच द इंक्लूडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो इन फैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच ऑफ यूज टू डेज बिकॉज द पेस्टिसाइड विदाउट द फैक्ट्रीज मेड केमिकल्स सच एज द फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स हैंस डज नॉट इफेक्ट द एनवायरमेंटल इन द नेगेटिव मैनर्स। सो इफ यू इकोनॉमिक थिंग्स ऑफ द इंडिया फार्मर्स हैव द ब्लैक फ्यूचर्स इट हैज द कंटिन्यू ग्रोइंग द फूड ग्रेन्स ऑफ द होल्डिंग द ग्रो स्मॉलर and the smaller as the population rise. India's rural population is about 833 million in 2010, 833 million का जो census हुआ which the depend upon the 250 million approximately hectares of agriculture. अब आप सोचो बेटा 250 million hectare पे इतनी सारी population बेटा depend कर रहा है। So जो आपका लैंड है जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर बर्डन बढ़ रहा है बेटा, पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है बट जो एरिया है जो लैंड है वो वहीं पे है। सो इस बर्डन को कम करने के लिए बेटा हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम द सर्स एंड द हाई वैल्यूज ऑफ द क्रॉप दिस वेल द इंक्रीजिंग इनकम एंड द रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेशंस सिमिशली बिकॉज द फ्रूट्स मेडिकल्स हर्ब्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स बायोडीजल्स क्रॉप जेट्रोपा एंड जोजोबा मच नीड टू लेस इरीगेशन राइज द शुगर केन इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू द ग्रो द वाइड रेंज ऑफ द हाई वैल्यूज ऑफ द क्रॉप्स। सो दिस इज योर चैप्टर फॉर एग्रीकल्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।